अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और आज मैं कुछ भी नहीं सोच के आई और कि मैं आपको क्या मैसेज दूं, तो मैसेज क्या दूं आज सोच रही हूँ। अच्छा, कल मैं जाहिर सी बात है मैं अपनी रूटीन के मुताबिक बात करती हूँ। नाज़रीन जी, मैं इधर आ गई हूँ, आप लोग इधर इधर हर जगह आप ही लोग हैं। और रूटीन के मुताबिक जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग अपने लाइफ में कर रहे होते हैं और हमारी रेगुलर ज़िंदगी में वर्किंग चलती रहती है। डॉक्टर अपने प्रोफेशन को एक टाइम देते हैं, घर वाले अपने और बहनें अपनी, माँ बाप अपने, हर किसी का एक वक्त है, वो अपने फैमिली के साथ, अपने बिजनेस के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन हमें कुछ लोगों से बड़ी शिकायत होती है और वो ये कि वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते। और अब तो वैसे ही इतना टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है कि माँ बाप को बिल्कुल भी हम टाइम नहीं दे पाते, ख़ास तौर पे उन वालदेन को जो बहुत ज़्यादा एज उनकी हो जाती है, तो उनकी चाहत बढ़ जाती है। सेम इसी तरह जब हम बहुत छोटे होते हैं, हम गोद के बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो हमारे वालदेन हमारे लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं कि मेरा बच्चा कहीं बेड से ना गिर जाए, कुछ ख़राब चीज़ मुँह में ना डाल ले, और ज़रा सी आपको छींक लग जाए तो आपके बाबा जो है वो फ़िक्रमंद हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको डॉक्टर को लेके जाना है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना, मोशन क्यों लग गए, ये सोता क्यों नहीं है, इतनी फिक्र होती है। लेकिन जब हमको उनकी फिक्र करने का जब करना चाहिए, हम उनकी फिक्र नहीं करते। हमें यही नहीं पता कि इस वक्त उनको उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, उनके सर में दर्द हो रहा है, उनको भूख की तलब हो रही है, वो भी वॉशरूम नहीं जा सकते। कभी देखा बहुत ज़्यादा लागर हो जाते हैं या बहुत लंबी ड्यूरेशन की बीमारी आप गुजारते हैं तो आपका जिस्म बहुत लागर हो जाता है और आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। लेकिन अभी जैसे पिछले दिनों एक बीमारी थी, चिकनगुनिया और एक और कोई बीमारी थी बहुत ज़्यादा, जिसमें हड्डियों में ऐसा दर्द होता है, बुखार से अपने ढाल होते हैं, करवट तक नहीं बदल पाते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने जेठ के घर गई तो राशिद भाई के मेरे बड़े भाई हैं, तो वो उनको हो गया था ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी, और वो कम अज़ कम मैंने कहा 2-3 हफ्ते रहती है और उनको कोई इंजेक्शन्स भी लग रहे थे। वो ज़मीन पर लेटे हुए थे और उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो यूनि के हिल भी सके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी। मेरी बड़ी बहन को भी ऐसा ही प्रॉब्लम था। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि ये जाहिर सी बात है कोई डिजीज़ होगी। तो मैं कहने का मकसद ये कि जब इंसान लागर हो जाता है बीमारी से, तो उनको अपनी वाइफ की, बच्चों की ज़रूरत होती है बीमारी के बाद। तो सोचें कि जब उनकी एक एज, जब हम छोटे छोटे थे तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब हमारा फ़र्ज़ है उनका ख्याल रखना। देखिए, आप अगर ये मेंशन करेंगे कि भाई मैं तो जॉब पे होता हूँ, मैं इतना थका हुआ होता हूँ, मैं इतना बिजी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो आप इनसे कह दिया करें, मेरी वाइफ से कह दिया करें इसे, तो सोचें कि जब आप छोटे थे तो वो आपको भी तो केयर करते थे आपकी, और वो जॉब भी करते थे, वो सब कुछ देखते थे, तो आप कितना बड़ा मुँह फाड़ के कह देते कि जी मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन नहीं, उनको आप थोड़ा सा, माँ बाप का तो दिल बहुत बड़ा होता है, अगर आप उनके साथ हफ्ते में 2 दिन में, बल्कि मैं तो कहती हूँ कुछ लोग इतनी मोहब्बत करते हैं माँ बाप से, वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, यकीन करें वो फिर भी अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं, और अगर वो उनसे बिछड़ जाए, मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, अगर वो उनसे कहा, मतलब अल्लाह पाक की ज़रा पता, एक साइकिल है वो चलती है, तो दुनिया, जब दुनिया में आते हैं तो जाना भी है, तो उनके माँ बाप चले जाते तो वो कब्रिस्तान भी डेली जाते, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत। अब मैं नहीं कहती अभी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी है, अभी भी मोहब्बत चाहते, इसी दौर की बात कर रही हूँ, यानी कि वो पहले, मैंने गुफ्तगु में कह दी, अरे वो दौर और था, वो पहले मोहब्बतें थी, अब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई, आप आगे बढ़ गए, लेकिन फिर वही पैदा होने का सिस्टम है, वही सूरज उसी तरह निकलता है, उसी तरह आप खाते हैं, क्यों अभी क्या आप
मुंह से ही खाते हैं ना, पहले भी दौर इधर से खाते थे, कभी नाक से तो नहीं खाया जाता। क्यों ऐसे कहते हैं आप लोग कि दौर बदल गया था? कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक ने आपको क्रिएशन की एक वैल्यूज़ दे दी है आपकी, और आपके लिए आसानियों के आपने खुद दरवाजे खोले, क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने ये जो अक्ल दी है इसका आप इस्तेमाल करते हैं, और आप किस हद तक जाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने माँ बाप को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप दुनिया को कैसे आसानियाँ दे सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात हो रही है कि मैं, जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो थक जाता है, लागर हो जाता है, तो जिस तरह आप छोटे थे, आप बीमार थे, आप चल नहीं सकते थे, तो माँ बाप आपको हर जगह सपोर्ट करते थे। कितने साल तक होता है ऐसा? मेरे ख्याल में आप जब पैदा होते हैं वो माँ एक अलग तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, फिर आप कम अज़ कम मेरे कहते हो तो 5-6 साल तक तो आप जो है ना वो इस तरह रहते हैं कि बल्कि उससे भी ज़्यादा, मैट्रिक किया तब तक आप मोहताज ही रहते हैं माँ बाप के, जब तक आप कमाने के काबिल होते, फिर आप समझे 25-30 साल, यानी कि जब तक आपकी शादी नहीं होती ना तो माँ बाप आपको सरपरस्ती में अपने शेल्टर में ही रखते हैं। खुशकिस्मत है जिनको ये शेल्टर नसीब हुआ। लेट्स सी, ये तो एक आपके साथ एक मैसेज था, और माँ बाप की सेहत का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वो जैसे जैसे कमज़ोर होते हैं तो उनकी हर तरह की प्रॉब्लम्स, उनकी हड्डियों में दर्द, बीमार, बुखार और कम खाना, ये सब उनकी उसमें आ जाता है, हिस्से में, तो उनका बहुत ख्याल रखें। लेट्स सी, एक छोटा सा मैसेज था, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, जाना नहीं कहीं, रहता मेरे साथ, रहना है आपने मेरे साथ, लेते हैं यहाँ ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग में सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैंने मैसेज दिया था कि जब माँ बाप बहुत एज में चले जाते हैं, जब हम भी नॉर्मल जो है, जब हमारी एज आगे रिप्रेजेंट होती है तो हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, हम बहुत लागर से हो जाते हैं, खाना पीना ज़रा सा कम हो जाता है, और अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच में, कोई लिवर प्रॉब्लम आ जाए, किडनी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो एक प्लस पॉइंट तकलीफ़ ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, ये बड़ा मसला है। और मैं उन ओल्ड एज, ऑफकोर्स मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, मैं आज स्पेशली करूँगी, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जो लोग इस एज में ज़रा 50 से अबव हो जाते हैं, हम उनकी बात करें, उनको ऑफ कोर्स हड्डियों का प्रॉब्लम होता है। तो एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम OA कहते हैं, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक आर्थराइटिस, ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ, और ये कौन सी तकलीफ़ होती है हड्डियों की, बुखार होता है या नहीं, या हड्डियों का कोई टेढ़ापन होता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, लेकिन जब आपको अवेयरनेस दी जाती है तो मैं चाहती हूँ कि हमारा एक जो पूरा बॉडी खड़ा है वो एक स्केलेटन पे खड़ा है, हम हड्डियों पे खड़े हैं, तो अगर हमारे कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है पूरा जिस्म प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है हड्डियों का, जिसको भी घर में, तो ज़रूर आपको कॉल, आप हमें कॉल करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं। कौन है? ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं उनसे मिलवाऊँ, एवरी थर्सडे वो यहाँ पर, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे टाइम यहाँ देते हैं और मेरे तमाम लोगों को अवेयर करते हैं जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, और उनको नॉलेज दें। तो यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आप, वो ये तो खतूत वाली बात, आप कैसे हैं? आप और मैं आपकी नेक ख्वाहिशात मतलूब चाहता हूँ, बड़े एक फॉर्मेलिटी वाले जुमले हैं लेकिन अच्छे हैं, गुड हैं। और इस गर्मी में कोई ये पूछ ले आपकी क्या तबीयत कैसी है, तो खुदा की कसम कुछ सवाल लो ऐसे हैं, कुछ जवाब ऐसे हैं। गर्मी शदीद, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बंदे को दिल करता है कि वो पानी फालसे का शरबत पी ले। आज थोड़ा मुझसे गलती हो गई, आज मुझसे रूम लॉक हो गया, और फालसे का शरबत मैंने रखा था, मैंने कहा मैं और आप पियेंगे, और फिर आप पानी पी रहे हैं, कोई बात नहीं, तो सच बोलती हूँ ना मैं। पानी साथ साथ इसलिए पी रही हूँ, यकीन करें मैं, ऑफकोर्स गर्मी इतनी है, डिहाइड्रेट बंदा बॉडी हो जाती है। अच्छा, बात हो रही है हड्डियों की, तो डॉक्टर साहब ये AO को ज़रा क्लियर करें। OA से मुराद ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये जोड़ों का दर्द है, ये जोड़ों का दर्द आपके नी में भी हो सकता है, आपके हिप में भी हो सकता है, आपके वर्टिब्राज में, स्पाइन में भी हो सकता है,
और लेस कॉमनली ये आपके शोल्डर एल्बो और हाथ के अंदर भी हो सकता है। तो ये एक लिमिटेड जगह पे नहीं है, किसी जगह पे भी वक्त के धारे के साथ तब्दील हो जाता है। अब समझना ये चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। इस जुमले में मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक डीजनरेशन और दूसरा मैंने इस्तेमाल किया आर्टिकुलर कार्टिलेज। पहले तो ये समझ लें कि डीजनरेशन से मुराद क्या है। डीजनरेशन से मुराद ये है कि वो स्ट्रक्चर जो अपनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी को की अहमियत खो देता है उस और आहिस्ता आहिस्ता उसे डीजनरेशन कहेंगे, यानी कि उसकी अपनी जो हैसियत है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। और फिर मैंने कहा कि ये आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे हड्डियों लॉन्ग बोन्स के एंड के ऊपर बना हुआ होता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है और ये मोती की तरह चमकदार एक चीज़ है जिसने हमारी हड्डियों के एंड्स को कवर किया हुआ है। अब ये हड्डियों को कवर ऐसे ही किया गया जैसे हम सर्दियों में कहने के मरी के कोहसारों को बर्फ़ ने ढका हुआ है, तो इसी तरह इन बोन की हड्डियों को का कोने जो हैं उनको भी इस कार्टिलेज ने ढका हुआ है। आज इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है और बहुत ज़्यादा अहमियत भी है और यही हमारी बीमारी की असल वजह भी है। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, ये पहले तो आप ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक नी ज्वाइंट है वो दो चीज़ों से बनता है, हमारी यानी कि थाई की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं और हमारी लेग की हड्डी जिसे हम टिबिया कहते हैं, इन दोनों से मिलकर ये ज्वाइंट बनता है। इस ज्वाइंट के एंड जो हैं कार्टिलेज के साथ कवर होते हैं। इसके साथ दो हड्डियाँ और भी होती हैं जिसे हम पटेला कहते हैं और फेबुला कहते हैं, लेकिन वो जोड़ के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, अब यह समझना चाहिए कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को बाहर से हमारा एक फ्लूड है जिसे हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं, उससे इसको कवर किया होता है। ये इस कदर स्लिपरी होता है कि इस जैसा फ्लूड आज तक किसी इंसान इस दुनिया में बना ना सका। ये बहुत ही स्लिपरी होता है और हमारी फ्रिक्शन को टॉलरेट कर जाते हैं और हम यानी कि आराम से चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, चढ़ते उतरते हैं इस स्लिपरी की वजह से। अब यह है कि जो कार्टिलेज है इसे समझना चाहिए कि कार्टिलेज की सरजमीन क्या कहती है। कार्टिलेज की जो सरजमीन है उसके ऊपर दो कंपोनेंट हैं, एक उसका प्रोटियोग्लाइकान है उसको और दूसरा उसके अंदर टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स हैं। प्रोटियोग्लाइकान जो हैं वो आप आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर एक यानी कि जखीरे के अंदाज में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं और ये जखीरे के अंदाज में प्रोटियोग्लाइकान जो है मौजूद होते हैं। प्रोटियोग्लाइकान जो हैं जो सबसे बड़ा प्रोटीग्लाइकान है उसके साथ यानी कि कुछ केमिकल मरकबात जो है ना जुड़ते हैं, इस जखीरे के दरमियान के अंदर जो है ना एक प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन के गिर कुछ यानी कि मरकबात जो हैं एम्बेडेड हो जाते हैं। वो कौन से मरकबात हैं जो बैंड होते हैं? एक कॉन्ड्राइटन सल्फेट है और एक कैराटन सल्फेट ग्लूकोजा अमाइन है। ये बिल्कुल इस तरह से इस प्रोटीन के साथ इस प्रोटियोग्लाइकन के अंदर अटैच होते हैं जैसे ब्रश बोतल धोने का जो ब्रश होता है, जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं, ये ब्रिस्टल जो हैं इन केमिकल के साथ की तरह के होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब कोलेजन फाइबर बहुत किस्मों के हैं लेकिन यहाँ पर जो हमें आर्टिकुलर सरफेस कार्टिलेज का ज़रूरत है वो हमारी टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर जो हैं हमारे आर्टिकुलर सरफेस के पैरेलल होते हैं और हमारी अंडरलाइन जो बोन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं और ये आपस के अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज को अंडरलाइन बोन के साथ अटैच रखते हैं। ये इनके अंदर तकरीबन 60-80% पानी होता है और इस पानी के अंदर इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर सुकड़ने की और फैलने की सलाहियत मौजूद होती है और ये जो वाटर होता है ये बार साइनोवियल फ्लूइड के साथ अपने एक्सचेंज करता रहता है।
और जो भी न्यूट्रिशन है अपने सब कुछ इसी के सदस्य हैं। इनके दरमियान के अंदर जो इस कार्टिलेज के सेल्स हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो हैं हमारी न्यूट्रिशन और दूसरी चीज़ों का ख्याल कर देते हैं, मगर बदकिस्मती से जब ये ख़राब होने लगते हैं तो कुछ इस किस्म के एंजाइम दे देते हैं जिसकी वजह से हमारी आर्टिकुलर सरफेस फटनी शुरू हो जाती है और ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रही थी। अच्छा भाई दरमियान शहजाद भाई, कॉल हो तो ज़रूर प्लीज़ लगा दीजिएगा। जब वो बात करी थी तो मैंने कॉल नहीं ली, तो कॉल जो अगर हमारे नाज़िम कॉल करें तो प्लीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अच्छा मैं बात करी थी कि हमारे पास ये जो हमारी हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये क्या ये जो हमारे नाखूनों के अंदर ब्लैकनेस आती है ये हड्डियों की वजह से होती है किसी और वजह से? कैल्शियम की वजह होगी, ये तो और वजह लेकिन इसकी वजह नहीं है। ओके, ये जो इनकी घुटनों के दर्द जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं उसकी वजूहत ये हैं कि कुछ तो ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम आ जाती हैं। कुछ माशाल्लाह हम लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं, खाने पीने में कुछ परवाह नहीं है, पिज़्ज़ा खा लिया, फास्ट फूड खा लिया और अपने वेट को बढ़ने के लिए बेलगाम छोड़ दिया और करते हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप 5 किलो की बोरी आटे की तो अभी आसानी से उठा लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 किलो की बोरी उठाना शुरू तो आपसे नहीं उठा। अच्छा, ये सवाल आपने खुद ऐसी बात की, मुझे मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि अक्सर मैंने देखा है लोग जब जरूरत घर में नॉर्मल जो वर्क करते हैं कभी कभी पानी भरी हुई बाल्टी उठा ली या कुछ सामान शिफ्ट जैसे होता है ना कि घर डेकोरेट करी किया और उनमें कुछ चीज़ पलंग हिला दिया अलमारी, तो कभी कभी कमर में दर्द आ जाता है बहुत बुरे तरीके से। ये क्या हमारी हड्डी आगे पीछे हो जाती है क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना लिफ्टिंग ऑफ द हैवी वेट्स की वजह से, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिफरेंट चीज़ है। इसी तरह कि जैसे यानी कि एक कार्बोरेटर के अंदर कचरा आ जाए तो गाड़ी बंद हो जाए। अच्छा। इसी तरह का मसला है उसके अंदर। ये है कि दो वर्टिब्रास के दरमियान अल्लाह पाक ने एक गोश्त की पैकिंग रखी है और वो गैस्ट की पैकिंग जिसको जो रखी हुई है वो दो वर्टिब्रास के अंदर सुकून पैदा करती हैं, आपस में उनको उठना बैठना चलने फिरने में आसानी हो जाती है। इसी तरह जैसे दो रेलवे डब्बे के दरमियान बफर्स होते हैं तो ये समझे जो कार्टिलेज है डिस्क हैं ये आपकी वही बफर टुमा काम करती हैं। जब हम कोई लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट यानी कि कोई वजनी चीज़ उठा लेते हैं कोई, तो उसकी वजह से ये जो डिस्क है ये स्लिप हो जाती है और स्लिप होने के बाद हमारे नी पीछे एक बहुत मोटी सी नर्व आ रही होती है, हमने इस पर प्रेशर डाल देना है और जब इस पर प्रेशर डालता है तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। ये तकलीफ जो है आपकी लोअर बैक से शुरू होकर आपके हिप्स के नीचे से होती हुई सीधा पैरों तक चली जाती है और बाज़ अवकात तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारी दोनों उंगलियां या पैर की उंगलियां सुन होनी शुरू हो जाती है। हमें ज़्यादा देर तक हम खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर हम चल नहीं सकते, ज़्यादा देर हम झुक नहीं सकते, फिर उसी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलहदा सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसकी वजूहत हम क्या बयान करेंगे? मैंने आपको अभी नहीं इसकी हम फॉर एग्जाम्पल हमें अगर ये हो जाए हमें जाके सबसे पहले इसको किस तरीके से इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? खुद से तो अंदाजा नहीं कर सकते ना मैं ये प्रॉब्लम है। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले कि आपकी हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है जिसमें वो ये कहेगा डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, मेरे घुटनों में सूजन आ गई है, मुझे अच्छा। चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया है। जब मेरे घुटने चलने शुरू हो जाते हैं तो मैं सख्त तकलीफ़ का शिकार हो जाता हूं और जब मैं सोकर उठता हूं तो मेरे घुटने जो हैं वो स्टिफ हुए होते हैं, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद मेरे अंदर वो जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, मेरे घुटने सूजे हुए होते हैं जैसे कि मैंने उसको कहा, और आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वो दर्द जो है चलने से मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, अब ये क्यों होता है किस लिए होता है? अब एक तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजिंग प्रॉब्लम है, यानी कि 65 इयर्स के बाद तो तकरीबन ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर 50 साल की उम्र के बाद टूट फूट का शिकार हम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था आपसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है हमारी जो कार्टिलेज है वो फटनी शुरू हो जाती है और फटने के बाद फिर वो इरोड होना शुरू हो जाती है और जो अंडरलाइंग बोन्स हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं और जब वो आपस में टकराती हैं दो बोन ऊपर की और नीचे की बोन हड्डियाँ जब आपस में टकराती हैं उस रगड़ की वजह से हमें शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और रिएक्टिव यानी कि बोन फॉर्मेशन भी हो जाती है जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। और ऑस्टियोफाइट्स बारूकात क्या होता है कि आपके जो सिनोवियल मेम्ब्रेन जो इसके साथ कवर किया एक बारीक सी झिल्ली ने जोड़ को कवर किया होता है
उसकी इरिटेशन से उसमें सोजिश आई होती है और वो सोजिश जो है वो मरीज को काफ़ी तकलीफ देती है। और इसी तरह जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को का जहन में रखें तो ये हमें ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ज़रूर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा के मरीज को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बाद अवकात ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक ने हमारे अंदर एक लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस बनाई हुई हैं और हमारे घुटने के गिर्द तकरीबन 22 किस्म की लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस हैं। वो रगड़ खाने से या किसी चोट लगने से उसमें सोजिश आ जाती है और वो भी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। इसी तरह हमारे बैक के यानी कि नी जॉइंट के जो बैक है उसके जो टेंडन हैं वो भी उसमें भी सोजिश आ जाती है, इसको टेंडनाइटिस कहते हैं, वो भी पेन कर रहे होते हैं। बाद अवकात इसके अंदर जो फ्यूजन डेवलप होता है इन्फ्लेमेटरी, उसकी वजह से आपकी जो बैक के ऊपर एक गोल सी गुठली नज़र आएगी। ये गोल सी गुठली क्या है कि जो सैन्यूवल फ्लूड की जो है ना एक साइड से बाहर निकलना शुरू हो जाता है उससे लेकर, और जो वीक पार्ट है उससे वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उसने एक सिस्ट बना लेती है और उसको हम अक्सर बेकर सिस्ट कहते हैं। या आम फैम जबान ये नी ज्वाइंट का हर्निया है, इसको हर्निया भी कह सकते हैं, ये नी ज्वाइंट का हर्निया है। और उसी तरह जैसे आप टायर की ट्यूब देख लें और उसमें हवा भरें और उसमें देखेंगे कि वो एक साइड से फूल एक साइड उसका एक पार्ट जो है ना वो फूल के बाहर की तरफ आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह का मैकेनिज्म जो है इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास डिफरेंट पेशेंट ऑफ कोर्स आते होंगे और सारा दिन ही आते हैं, जिसमें आप कुछ लोगों को तो इंजेक्शन से ट्रीट कर लेते हैं लेकिन कुछ लोगों को डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं और ख़ुद भी करते हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है एक्सरे लेके आपको पता चल जाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट इस वक्त क्या है। तो अभी कुछ ऐसे पेशेंट, किस टाइप के ज़्यादा पेशेंट आपके पास आते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं और उनको खुद नहीं मालूम होता उनको हो क्या गया? देखें, जो सबसे पेनफुल आर्थराइटिस है ना, यहाँ इस घुटने के गिर तो बहुत सारे आर्थराइटिस हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पेनफुल आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है, ये एकदम यानी कि नहीं आहिस्ता 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 टूट फूट का शिकार होता है। जैसे आपने नई गाड़ी ली उसका टायर आहिस्ता आहिस्ता 5-6 साल में घिसना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये आलम जो है हमारे घुटनों के साथ हो जाता है। कुछ मैंने देखा कि जो मरीज़ जो हैं, मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जा चुकी तो वो व्हील चेयर पर आते हैं और उनकी बॉडी काफ़ी हैवी होती है और वो फिर बताते हैं कि हमारे ये घुटनों में ऐसा दर्द हो रहा है, पाँव भी आप मैंने आपको देखा आपको पाँव उनका उठा रहे थे तो उसके बाद उनको आपने ट्रीट किया, ये कौन सी प्रॉब्लम कहलाती जो बिल्कुल उनके पाँव सूज गए थे? देखें, जो इसका डिसेबलिंग डिजीज़ है ये, इसका जो एंड जो है वो डिसेबलिंग हो जाता है, यानी कि आदमी चलने फिरने से उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो जाती है और ज़रा से भी हट जॉइंट की मूवमेंट के साथ उसको काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर ये होता है, इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है जो मैंने आपको बताया कार्टिलेज है, वो इतनी तबाह हो जाती है कि अब उसके अंदर गुंजाइश नहीं रहती कि वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर सके। जैसे कि वो किसी ज़माने में सुपर हाईवे था, अब औरंगी टाउन की वो पुरानी सड़क हो चुका है, तो ये फ़र्क उसके अंदर आ जाता है और इतना फ़र्क आ जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर दो चीज़ें और आ जाती हैं। एक तो उसके अंदर फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, यानी कि उसका घुटना जो है नीचे जैसे ज़मीन पर तो लग जाता है लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ होगा, और दूसरा उसके अंदर वेल्डिंग गेट होगा, जो उसकी टांगें जो है ना वो तीर कमान की तरह होनी शुरू होंगे, टर्न हो जाएंगी और वो वेल्डिंग गेट के साथ चल रहा होगा। इसलिए कि जो ये हमारा फीमर बोन है, इसका जो कंडाइल्स हैं, इसके अंदर दो कंडाइल होते हैं, एक बॉल्स होते हैं और ये एंड के ऊपर होते हैं, और ये जो अंदर का हिस्से का बॉल है जिसको मीडियल कंडाइल कहते हैं वो बड़ा होता है, और जो लेटरल साइड का है उसका कंडाइल जो है वो छोटा होता है, और ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है करता है वो बड़ा कंडाइल ही करता है, जो यानी कि हड्डी के साथ रगड़ रगड़ के रगड़ करके उसके कार्टिलेज को तबाह बर्बाद कर देता है। ये जो अंदरूनी हिस्सा है जो ये तबाह बर्बाद हो जाता है, उसकी टांगें जो है वो खम खा के इस तरह से तीर कमान की तरह खम खा जाती है और वो वेल्डिंग गेट यानी कि ठुमक ठुमक के चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो क्योंकि ये अब उसकी चाल चलन उसकी ख़राब होती है, लेकिन उस उम्र के अंदर उसकी चाल चलन ख़राब हो जाती है जिसके अंदर उसको रिश्ता को प्रॉब्लम नहीं होगी। चले डॉक्टर साहब, की इसको हम बात को कंटिन्यू करेंगे ना, यहाँ पर नाजिन हम लोग ब्रेक लेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं और बात हो रही है आपकी हड्डियों के दर्द की, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और डॉक्टर खुर्शीद अनवर के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदेद। और ये है सभी का किचन, और यहाँ पर कौन मौजूद है? शेफ शुमाइला, शेफ शाहीना शुमाइला। एक तो शीन शाम इतने सारे डाल दिए, हम फिर यहाँ पर फंस जाते हैं और शीन हमारे गले में फंस जाता है। कैसे हो शाहीना? अल्हम्दुलिल्लाह सभी, आप बताएं आप कैसी हैं? क्लास, अभी हम लोग सेल्फियां ले रहे थे दोनों। तो बस वो शाहीना इधर हो गया, शुमाइला उधर हो गया। अच्छा जी, शेफ शाहीना शुमाइल जो है वो आज बना क्या रही? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती होंगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी मुझे बताइएगा, और रिव्यूज देते रहा करें। हमारे पेज पे फेसबुक पेज है गुड मॉर्निंग विद सभी का, तो उसमें रिव्यूज दिया करें। आपका पेज कौन सा है, उसमें भी रिव्यू जाएगा भाई? मेरा पेज है शेफ शाहीना शुमाइल के नाम से, मेरा पेज है, और शेफ शाहीना शुमाइल के नाम से आप जरूर जाइए इनके पेज पे, जाके इनकी कुछ अगर रेसिपीज ट्राई भी कीजिए, और साथ साथ इनको फीडबैक भी दीजिए, और अगर कोई आपकी फरमाइश है देन वो ये पूरा करेंगे। अच्छा जी, डिश का नाम क्या है? अच्छा, आज जो डिश बन रही है वो बन रहा है बादामी कोरमा, जो कि बेसिकली दिल्ली वालों का, जो दिल्ली वालों की स्पेशलिटी है ये। और ये कोरमा जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसमें जो है आपको कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल करने की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं साथ ही साथ आपको मसाला भी बनाना बताऊँगी कि कोरमा मसाला कैसे बनता है, और आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और अपने फ्रिज में इसको रख सकते हैं, क्योंकि समटाइम टाइम का इशू होता है, तो आप ये कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डालेंगे इसमें? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की मैं डिफाइन कर लीजाऊँ, यहाँ 300 ग्राम मेरे पास चिकन मौजूद है, ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास ये 2 बिग साइज अनियन है, जिसको मैंने ब्राउन करके और इसको मैंने टाइम की वजह से इसको मैंने ब्लेंड करके रखा है, ठीक है। यहाँ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मौजूद है, यहाँ जो है जिंजर जो है इसकी जूलेंस मौजूद है, ये हम गार्निशिंग में डालेंगे, और बादाम मौजूद है हमारे पास, इसको हमने पील करना है। अभी मैं पील कर रही थी, लेकिन मैं कर लूंगी ना, आप बनाना मैं कर लूंगी। और नेक्स्ट, अच्छा दही है, दही जो है ये मेरे पास इस वक्त ज्यादा मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जाएगी 1/4 कप, क्योंकि 1 kg जब हम कोरमा जब भी बनाते हैं, तो मैं थोड़ी सी टिप देती चलो बता दी, तो हम 250 ग्राम इसके अंदर दही योगर्ट शामिल करते हैं, तो उसके हिसाब से जब आप 300 ग्राम का करें तो 1/4 से थोड़ा सा अब हम इसमें योगर्ट लेंगे। ओके, अच्छा, उसके अलावा मेरे पास ये होल स्पाइसेस मौजूद है, कैमरे से आप हो जाएगा, अच्छा ये मौजूद है, इसमें मेरे पास जीरा है 1 टेबल स्पून, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास 3-4 कार्डेमन है, ग्रीन कार्डेमन है, इसके अंदर ब्लैक कार्डेमन है, थोड़ा सा छोटा सा इसमें जो है वो एक मिनट, इसमें दालचीनी आपने डाली, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री, जावित्री, काली मिर्च है, लौंग है, सफेद जीरा एंड सब्स इलायची, गुड हो गया। अब हम ऊपर नेक्स्ट है, ये मेरे पास जो है पिसा हुआ गरम मसाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून, यहाँ मेरे पास ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, यहाँ मेरे पास पिंच ऑफ मैं इसमें से लूंगी व्हाइट पेपर, सॉल्ट एज पर ऑन योर टेस्ट, और इसके अलावा मेरे पास ये पिसी हुई लाल मिर्च है, जो इसे तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी, और यहाँ रोस्टेड क्रश क्यूमिन मेरे पास मौजूद है 1 टी स्पून, चिकन पाउडर है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, और गार्लिक पाउडर है, क्योंकि पतीली को रखते हैं, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज बन रहा है बादामी कोरमा, और बहुत ही मतलब मजे का होता है ये खाने में। आज शाहीना बनाएंगे, आज टेस्ट चेक करते हैं। अच्छा, ऑयल मैक्सिमम कितना, हाफ की कप इसमें हम हाफ कप ले सकते हैं मैक्सिमम इतना, जो क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा अच्छा लगता है, और जो लोग ऑयल मतलब अवॉइड करते हैं तो वो उससे थोड़ा सा हाफ कप से 1/4 कप ले लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको इसका मसाला भी साथ साथ बनाती बताती चलूँ कि हम किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास सारे स्पाइसेस मौजूद हैं, ताकि कैमरे को सही तरह आपको कैप का, हम तारों में उलझ गए हैं। अच्छा, ये सारे होल स्पाइसेस हैं, इनको मैंने एक जगह मिक्स कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जीरा है, ग्रीन कार्डेमन है इसके अंदर जो ब्लैक कार्डेमन है, इसके अंदर जावित्री है, लौंगे हैं, लौंगे 4 हैं तकरीबन, और 5 से 6 जो है इसके अंदर काली मिर्चें हैं, ठीक है, साबुत। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें यहाँ लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हम 1 टेबल स्पून इसमें ले लेंगे। ओके, अच्छा इसी में मिक्स करना है, जी, इसी में मिक्स करना है। आप लोग देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है, और ये हमारे पास गार्लिक पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है, ये मैं इसमें सारा शामिल करती चली जाऊंगी, ठीक है, और ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, ओके, ये मैं इसमें शामिल करूंगी, पिसा हुआ सूखा धनिया, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ये कोरमे की जो है ना बेस होती है, इससे थोड़ा गाढ़ापन आता है। अच्छा, चिकन पाउडर हम
फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बाजार के डब्बे वाले मसाले होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलिटी होती है. तो वो एक राज है जो है, वो चिकन पाउडर जो फ्लेवर कर दिया इन्होंने डब्बे के मसालों में. अच्छा, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है. रोस्टेड क्रश क्यूमिनस का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, तो ये इसमें 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्रश क्यूमिन गया है. यहाँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर गया है 1 टेबल स्पून. ओके, ये गया है इसके अंदर ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून. ठीक है, और पिंच ऑफ मैं इसके अंदर लूँगी वाइट पेपर. ओके, और ये 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन सॉल्ट है मेरे पास. ठीक ये मसाला जो है हमारा कोरमा मसाला तैयार हो गया है. अच्छा, इसके अंदर मैंने पिंच ऑफ यहाँ ये कलर शामिल है, जिससे बहुत अच्छा तो ये मैं कलर के तौर पे बहुत लिटिल अमाउंट में ये, ताकि इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए. ठीक ठीक. और साथ ही हम जब इसके एंड इसको पका रहे होंगे, तो इसमें हम केवड़ा शामिल करेंगे, क्योंकि डब्बे के मसाले में फ्लेवर्स होते हैं, और तो इसलिए हम केवड़ा शामिल करेंगे. अच्छा, बहुत हीट अप हो गया, इसको ऑयल डाल दो. हाँ, मैंने ये ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया. ये हमने ऐड कर दिया. आपने कहीं पानी का थोड़ा कटोरी में ऑयल डालते हैं, उन्होंने सोचा नहीं. अल्लाह जिंदगी दे जाकिर को, गीले बर्तन देते हैं, और इन्हें ये नहीं पता यहाँ पे दो खूबसूरत लड़कियाँ हैं. अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून था, ऑयल गर्म हो चुका था. ओके, तो मैंने इसमें शामिल किया है, और साथ ही साथ मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी. ओके, डायरेक्ट हमने इसमें जैसे हमने ऑयल गर्म किया और अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर हमने इसमें चिकन ऐड किया है हमने. अब यहाँ चिकन ऐड हो चुकी है, और चिकन को हम तकरीबन इसको हम करेंगे वाइट, क्योंकि इसको हमने करना है अच्छे से फ्राई. जब तक इसका वाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, जब तक हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे. और मसाले यहाँ पे अच्छे से हमारी चिकन फ्राई हो जाए, और ये अच्छा जब चिकन फ्राई होती है कितनी अच्छी सी खुशबू आती है ना. लेकिन मुझे तो अभी लहसुन अदरक की मुझे वैसे ही बहुत अच्छा मुझे भी गार्लिक का फ्लेवर, ओह माय गॉड, दोनों का मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्लिक का फ्लेवर सैंडविचेस में, और उसमें हर जगह बहुत ही वैसे ही बड़े फायदेमंद. आप तो देसी खाने बना लें, आप पाकिस्तानी बना लें, आप इंटरनेशनल कुकिंग कर लें, अदरक तो स्किप हो जाती है, लेकिन ये गार्लिक लहसुन स्किप नहीं होता, इसकी एक खास स्पेशलिटी है. अच्छा, अब ये हो चुका है हमारा, और हम ये इसमें सारा बनाया हुआ कोरमा मसाला शामिल करेंगे. ये बहुत इजीएस्ट है यार, इजी टू कुक, इजी टू कुक है यार. मेरे शो का नाम इजी टू कुक, झटपट से ये तैयार हो जाता है, ये इजी टू. अच्छा, मसाला ना जल जाए इसलिए हम थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट पानी वाटर ऐड करेंगे, और फिर जब मसाला अच्छे से ठीक है ये हमारा फ्राई हो गया है, तो हम साथ ही साथ इसमें ओके ये हमने वाटर ऐड कर दिया. अब हम इसको करेंगे कुक. ये मैक्सिमम कितनी देर रहेगा? ये मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कुक होगा. चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं. जब मैं योगर्ट शामिल करूंगी तो फिर आप हमें इनवाइट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर ही हैं. अच्छा, साथ कुछ मैं जो है ना इसमें केवड़ा भी ऐड कर दे. अच्छा, डायरेक्ट भी डाल लें जी. ओके, इससे क्या होता है कि पूरे कोरमे में इसका फ्लेवर आ जाता है, अगर आप ऊपर से डालते ना तो कुकिंग, मतलब ये भी एक राज है जो आपने पेशा कर दिया. अच्छा, आज से फूल पट्टियां खोल दो किचन से, ये टिप्स दे रही है, अच्छी बात है, दैट्स गुड. ओके, क्योंकि कुकिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ टिप्स की वजह से जो है ना वो थोड़े से हम लोग डिश में मतलब सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में जो है मैंने इसके केवड़ा शामिल किया है, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून. डन हो गया, यहाँ केवड़ा शामिल हो चुका है, और अब मैं फ्लेम को लो करके इसको कुक करूंगी. ये मैं ये जरूर डिश ट्राई करूंगी, यकीन करें बहुत झटपट, और वरना कोरमे का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना डेंजरस हो जाता है कि हम लोग को नहीं कितनी देर लगेगी. चलें जी, नौशीन इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान. मुझे छोड़ेंगे अभी, कोई बात नहीं, हो जाता है. अच्छा, मेरा नाम थोड़ा सा लंबा है ना, इसकी प्रॉब्लम. सभी का नाम बड़ा अच्छा है, सभी छोटा सा. देखो कवर अप, देखो मेरी प्यारी ना, मेरा सोना. शुमाइला, शुमाइल, शाहीना, शाहीना सही है, शाहीना, शाहीना इस वक्त मेरे साथ ही है, और ये बन रहा है बादामी कोरमा, और हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास. और वो स्पेशल बात ये है कि जब आपके घुटनों में दर्द होता है तो ये रीजंस जो हैं हमारे, मैं पूछ रही थी डॉक्टर साहब से ब्रेक में, मैं वही बता रियल बात करती हूँ तो वही बात करूँगी, और मैं वहाँ पर आ रही हूँ, डॉक्टर साहब मुझे इशारा करें आप यहाँ आ जाओ. बिल्कुल वहाँ जा रही हूँ, डॉक्टर साहब की तरफ पहले जाते हैं. डॉक्टर साहब ये बताइए कि
जब आप हमारे घुटनों में ये जैसे मैंने पूछा क्या है तो उन्होंने कहा कि घुटनों में दर्द ज़्यादा जब होता है जब आप कोई आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, आपका बहुत ज़्यादा मोटापन आपके लिए कितना नुकसानदेह। ओवर टू डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी आपकी रेसिपी सुन रहा था और रेसिपी देख भी रहा था और सुन भी रहा था, तो ये हमारी रेसिपी के अंदर जो मसाला जाते हैं हमारे आर्थराइटिस के अंदर बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं, जैसे मेथी दाना है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, इनका बहुत अच्छा रोल है हमारे आर्थराइटिस के अंदर। तो ये तो था, मेरा कहना ये है कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है तो आप उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसके वेट को जो है ना नॉर्मलाइज, हेल्दी वेट उसके आना होना चाहिए। जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता जाएगा उसके मसाइल जो हैं वो ज़्यादा खड़े होते चले जाएंगे और हेल्दी वेट के साथ वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि जहाँ आज आपने ये बादामी कोरमा बनाया है ना, इसके अंदर कभी ऑयली फ़िश भी बनाएं, और ऑयली फ़िश हमें यानी कि हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ज़रूर खानी चाहिए, और ये हमारे आर्थराइटिस के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीडेंट्स होते हैं, EPA और DHA। ये 2 इस किस्म के एंटी ऑक्सीडेंट हैं जो हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं उनको उड़ा के रख देते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर ऑयली फिश का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह खुदा नु मनु गर्मी देखो तुसी, नहीं गर्मी से गर्मी और सर्दी का मामला नहीं है, मामला तो ये है हमारे बंगाली भाई देखें ना, वो तो थ्रोट जो 12 महीने ये खाते हैं तो वो तो गर्मी और सर्दी की कोई तमीज नहीं रहता। अच्छा, वो पक्का? तो हाँ, वैसे अभी भी मैंने देखा रात को कितने लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वो कौन सी जगह यार, उस जगह पर फिश बहुत खाई जाती है। जी हाँ, तो अभी भी खाते हैं। तो मैंने आपको कहा आजकल हम बीमारियाँ जेब से पैसे खर्च करके पालते हैं। अच्छा, फिश खाना हफ्ते में एक दिन, 1-2 दिन कम से कम, 2 दिन गर्मी हो सर्दी हो, फिश का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, शोरबे वाली या फ्राई? ज्यादा तो ऑयल फिर हो जाए तो फ्राई। अच्छा, में तो फ्राइड यानी कि फ्राइड के अंदर हम गोश्त की तरफ आ जाते हैं, जैसे ग्रिल्ड और फ्राइड रेड मीट अब है, तो ग्रिल भी हो रही है, ग्रिल्ड और फ्राइड जो रेड मीट है ये हमारे अंदर डेंजरस है। डेंजरस इसलिए है कि इसके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल जो है वो सिक्रीट होता है जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस जो है हमारी जोड़ की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है और हमें एक तकलीफ के अंदर डाल देता है। अच्छा, ये देखिए ग्रिल वाली भी नहीं अच्छी होती चीज़ें, जो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ, एक तो होता है ना वो डीप फ्राई होती है चीज़ें, एक होती है हम लोग जैसे टिक्का खाते हैं बारबेक्यू टाइप, तो ये भी क्या नुकसान है? वो इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि वो डीप फ्राई होता है। डीप फ्राइड होता है, फैटी फूड्स होते हैं जिसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह क्या नाम है, अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल के अंदर बहुत आ जाते हैं, बियर भी आती, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर और यानी कि लिकर दोनों जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ना हमारे लिए, मैदा वगैरह जो है हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह वाइट शुगर भी हमारे लिए हमारी जोड़ों के सोजिश का सबब बनती है, और अक्सर हम डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि अपनी जोड़ों को सही रखने के लिए अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये सोजिश का असबाब है, क्योंकि मेटाबॉलिक बॉन्ड डिजीज़ जो हैं जैसे हेमोक्रोमाटोसिस है और ये यानी कि डायबिटीज़ हैं, ये हमारे जोड़ों के दर्द में इजाफा ही करती है। अब हमें यह है कि अब किस क्या खाना चाहिए, तो खाने के लिए मैं सबसे पहले आपके यानी कि यही कहूँगा कि ऑयली फिश जैसे मैंने अभी कहा 2 दिन खाएं। दूसरा अखरोट बादाम और पीनट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये ड्राई डार्क लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, पत्ते की सब्जियां जो होते हैं जिसमें हम मूली के, चुकंदर के, शलजम के पत्ते हम ज़ाया कर देते हैं, यकीन जाने बहुत मुफीद हैं। काश कि हम अपने डाइट के अंदर इनका इस्तेमाल रखें, ये बहुत अच्छी हैं। बंद गोभी हो गई, कॉलीफ्लावर जिससे कह दिए, बंद गोभी हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, केल हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत सूटेबल हैं और हमें इसका इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बस कर जाए, हमारे बच्चे तो इतने बदतमीज़ हैं, कहते हैं बल्कि सभी जगह से ऐसे ही आएंगे, क्या पकाया, टींडे,
वो टिंडों का नाम सुनते ही उनकी शक्लें देखने की होती है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी पिज्जा पास्ता ये तमाम चीज़ें हमारे लिए सूटेबल नहीं है और इनको खाने के लिए वो अभी अगर हमें कहते हैं जी टेबल खाली नहीं है डेढ़ घंटा दो घंटे वेट करें तो हम उसका वेट भी कर रहे होते हैं और फिर उसको खाने के बाद पैसे भी दे रहे होते हैं और उसके बाद उसको खाने के बाद जो हम अपने जिस्म पे जुल्म कर रहे होते हैं वो नज़र नहीं आ रहा था लेकिन हमने जुल्म बहुत किया हुआ होता है। सही बात। तो इसलिए काश कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और सबसे बड़ी बात है कि शहद का इस्तेमाल करें। शहद के अंदर तीन बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश को ख़त्म कर देता है, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट भी है और दूसरा यानी कि वो एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और दूसरा एंटी बैक्टीरियल भी है यानी कि जरासीम कुछ भी है, तो इसलिए शहद का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा होता है। ओके अच्छा, शहद तो जख्म पे भी लगाओ तो आराम आ जाता है। इसलिए उसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज मौजूद होती है ना, तो इसलिए वो आपके लिए सेहतमंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो है हमारे स्पेशली हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स सर्जन हैं और हम आपकी हड्डियों के दर्द से रेलिवेंट बात करें और ख़ास तौर पर घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द ऑफ कोर्स वेट ज़्यादा होने की वजह से होता है और आपकी कुछ लापरवाही या अगर अल्लाह ना करे कभी कभी आप देखें ना कुछ पलंग से गुजरते हुए हमारे घुटने पर लग जाए तो कितनी ज़ोर से दर्द होता है। अच्छा आप घुटनों से थोड़ा नीचे आ जाए, हमारी एक टांग जिसे कहते हैं, और एक्सीडेंट में इस ये हड्डी बहुत फील होती है हमें, हमें जो है ना टांग की जो घुटनों से ज़रा नीचे ये हड्डी बहुत बहुत ज़्यादा फील होती है और जगह पर तो गोश वगैरह या जो फ्रंट बिल्कुल ऊपर की सर इसके ऊपर जो है ये अगर अल्लाह ना करे फ्रैक्चर में आ जाए तो इसका कोई है सब्स्टिट्यूट? जिसमें जिस एरियाज के अंदर मसल मास यानी कि गोश की कमी होती है या मसल्स कम होते हैं उसमें चोट जो है लगने से तकलीफ ज़्यादा महसूस होती है। इसी तरह स्पोर्ट इंजरी यानी कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं फुटबॉल है क्रिकेट है वॉलीबॉल है थ्रो है तो इसके अंदर यानी कि वो अपने घुटने को डैमेज करते रहते हैं और दूसरी बात है स्पोर्ट इंजरीज अराउंड जी यानी कि जो नी जॉइंट होती हैं उससे भी आपकी ऑर्थराइटिस होता है और एक बड़ी कॉमन सी बात होती है उठा बैठा जैसे उठा बैठा उसकी यानी कि शदीद का घुटने में दर्द हो जाती है। जब उसको थॉरली एग्जामिन करते हैं तो पता लगता है कि उसका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो डैमेज हो गया फट गया तो उसको अकॉर्डिंगली ना कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीट करके बल्कि उसका जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो चुका है उसको ट्रीट करें तो इस ये उसी वक्त पता लग सकता है जब एक तो हिस्ट्री से और दूसरा उसको थोड़ा एग्जामिनेशन करने से पता लग जाता है कि इसको क्या असल प्रॉब्लम है और वो सीवियर पेन के अंदर और बाजू का या तकलीफ के अंदर मैंने बरसों पलते हुए देखा है। यकीन जाने पाँच दो मिनट का काम है जिससे उसकी तमाम दुख दर्द तकलीफें अल्लाह पाक ख़त्म कर देता है, लगता दो मिनट ही हैं उसके ख़त्म करने के लिए। ये रास की बात है, ये बाद में नहीं बता सकता डॉक्टर साहब भावनाओं बह जाते हैं। अच्छा जी बात हो रही है आपके घुटनों की दर्द की, पूरी कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें और बता सकें। जी आपसे बात हो सकती है शाहीना, सही नाम लिया ना मैं? जी जी कहाँ तक पहुँचे आपके डिश? अच्छा अभी तो चिकन जो है तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा, दो से तीन मिनट लगेंगे फिर हम उसमें बल्कि योगर्ट शामिल करेंगे तो मैं कर दूं योगर्ट? आप मुझे हाँ बिल्कुल शामिल करना चाहें तो आप कर लीजिए। ठीक है आप आ जाएं फिर साथ ही कर। नहीं नहीं आप मैं यही अच्छा। अब मैं नहीं आ रही अब मैं अच्छा ठीक है अच्छा यहाँ अकेले ही कर लो। गुड अच्छा ये योगर्ट को हमने क्या करना है विस्क करना है और योगर्ट जब भी आप ऐड करें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो आंच हो चूल्हे की वो स्लो हो, आपकी फ्लेम जो है वो स्लो हो क्योंकि जब हम तेज़ आंच पे दही डालते हैं तो दही फट जाता है और जब दही फट जाता है तो उसमें वाइट वाइट सा टेक्स्चर जो है हमारे खाने की लुक को ख़राब कर देता है तो इस बात का ख्याल रखें दही को हमेशा विस्क करके। और तकरीबन मैं इसमें 1/4 के करीब जो है मैं इसमें योगर्ट शामिल कर रही हूँ और ये साथ साथ योगर्ट के साथ जो है वो चिकन रेडी हो जाएगी। ये जी अच्छा आहिस्ता आहिस्ता डाल लें। जी आहिस्ता आहिस्ता डाल लें और साथ साथ जो है वो स्पून को हमने जो है वो चलाते चले जाना है ताकि इसके अंदर अब देखें आप इसका टेक्सचर अगर दिखा सकते हैं तो देखें बिल्कुल फटा फटा जो है वो नहीं फील हो रहा तो ये भी एक ब्यूटी है कुकिंग की। और अब यहाँ इसमें अंदर योगर्ट शामिल हो चुकी है और हम योगर्ट को क्या करेंगे थोड़ी देर भूनेंगे
तो जब हमारी लो फ्लेम थी, अब हमने भूनने के लिए उसको हाई करना है फ्लेम को, अब हमने अपनी फ्लेम को हाई करना है और हमने इस योगर्ट को अब भूनना है। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ, यहाँ मैंने 2 अनियन को ब्राउन करके और उसका इस तरह से पेस्ट सा बना लिया था, इसको चॉपर में मैंने इसको चॉप कर लिया था, आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये योगर्ट हमारी भुन जाएगी और इसकी ये इस स्टेज पे आएगा, तो हम इसमें ये शामिल करके इस तो हम इसमें ये शामिल करेंगे, अनियन शामिल करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो बादामी कौरमा बनाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आलू गोश्त का कौरमा बनाते हैं, और मेरे घर में जो बनता है ना वो आलू गोश्त का कौरमा बनता है। क्यों वजह? असल में सबका फेवरेट है, और वो कहते हैं कि अगर हम खाली कौरमा खाते हैं तो थोड़ा भारी हो जाता है, और जब हम जो है वो आलू के साथ कौरमा खाते हैं तो वो हमें तो सब्जी आ जाती है ना, वेजिटेबल ऐड हो जाती है, तो वो थोड़ा लाइट रहता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, और वो बनता ऐसे ही है, बस थोड़ा सा स्टेप उसका डिफरेंट होता है। जी रुक सब, सब्जी से याद आएगा तो फिर टिंडे कोरमा बन सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कोफ्ते बनाते हैं, उसमें भी आलू शामिल करते हैं और शलजम भी शामिल करते हैं। तो शलजम तो डल सकते हैं, लेकिन टिंडे टिंडे हालांकि आज टिंडे जो है बेहतरीन गिज़ा है और बेहतरीन उसका टेस्ट होता है, बनाने वाले जो बनाते हैं जो जिन्होंने बनाया है, यकीन जाने आप उसको खाना शुरू कर दें आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप खाते चले जाएंगे। अच्छा, कुछ वाकई कुछ तो बहुत टेस्टी बनाते हैं, और इतने उसको कोई खा के तो देखे, अगर कोई खाता ही नहीं तो। अच्छा, मैं 2-3 तरीकों से बनाती हूँ। एक ऐसा है जिसमें टिंडे को मतलब जब उसको छील दिया, अंदर से उसका सारा गूदा निकाल दिया, उसको फिर चॉप किया, और ये दम वाले होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। फिर उसके अंदर आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें, प्याज जो भी, उसको दोबारा उसको स्टफ पे डालें और ग्रेवी बनाए उसके दम पे। आपकी हरी मिर्च हो गई, आपकी कश्मीरी मिर्च हो गई, आपकी हल्दी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, यकीन जाने इनके भी अंदर कुदरत है, ए डी और ए के और ए सी, विटामिन सी रखा जिसमें सी सी हम करते रहते खाते ही मिर्चों को। ए सी और के विटामिन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, और हम जब ये वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि हम कितने विटामिन खुद ब खुद बगैर किसी दवा के ले रहे होते हैं। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप उसको टोकरा भरकर भी दवाइयाँ दे दें तो उसके दर्द के अंदर कोई कमी नहीं होती, और उसकी इंटेंसिटी ऑफ पेन के अंदर थोड़ी बहुत कमी महसूस होनी चाहिए, हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कहना चाहिए जिसको बिल्कुल आराम हो जाए, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की तरह चले, फिर वो होता नहीं है। इसका बेसिक इलाज यही है, खुदारा अपने वेट को कम करें और अपनी वॉक को बढ़ाएं। वॉक से ये होता है कि तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसकी बढ़ जाती है, और दूसरा यह है कि उसको न्यूट्रिशन जो है मिल जाती है। वो तरीका अंदाज जैसे आपने वाघा बॉर्डर पे कभी गए हो तो देखा हो, अभी तक नहीं गए, वो अपने परेड के दौरान पैर को पटकते हैं, जिस अंदाज से वो पटकते हैं, यकीन जाने कार्टिलेज का ऐसा बेहाल हो जाता है, जो कार्टिलेज जिसकी हमने आज बात की है वो टुकड़े टुकड़े होकर रह जाते हैं कुछ अरसे के बाद, फौरी तौर पर तो नहीं हो जाता। अच्छा? लेकिन कुछ अरसे के बाद, इसीलिए मैं मना करता हूँ कि आप यानी कि जो वॉक करें तो रेतीली ज़मीन पर करें। आजकल जिस पार्क को भी देखो ना, पहले दिन वो नरम मिट्टी थी, आज तो वो भी सीमेंट की तरह हो गई होती है। तो सबसे अच्छी वॉक रेत के ऊपर, यानी कि समुंदर के किनारे जो वॉक है, दी बेस्ट वॉक है, दी बेस्ट, इससे अच्छी वॉक की जगह कोई नहीं है। और ये जो हमने जॉगिंग ट्रैक बनाए हुए सब कुछ, खुदा रहा उसके अंदर रोज हल तो फेर दो, उसके अंदर वैसे हमें रोजाना हल फेर देने चाहिए ताकि वो नरम हो जाए और हम जख से बचे रहें, वरना हमारा ये जो है पूरा लोड जो है कार्टिलेज के ऊपर आएगा और ये नुकसान। और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं हम जो है दूसरी तरह जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हुए भी लोगों को करते हैं, लेकिन उसकी जो वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक है वो बिल्कुल यानी कि नरम होना चाहिए, या उस पर रेत डाल दें, रेत या तो रेत डाल दें। अच्छा, जो जमीन, बड़ी प्लस पॉइंट आपने बताया, आप आजमा के देख लेंगे। अच्छा, चाइनीज लोग मैंने देखा उनके फूड्स में प्याज बहुत ज्यादा ऐड होता है, लहसुन और हरा प्याज। मैंने आपको भी बताया ना कि प्याज के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट क्यूरोसिटिन कहते हैं, यानी कि ये प्याज के अंदर मौजूद होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है हमारे फ्री रेडिकल्स को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं और हमारे सेल को डैमेज नहीं होने देते। इसी तरह
लहसुन के अंदर भी एक तो यानी कि एलिसिन होता है और दूसरा जो है डाई एलाइल डाई सल्फाइड होता है, जो कि वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए लहसुन खाना प्याज खाना अच्छी बात है। मुझे इतना पसंद है लहसुन और हरा प्याज, वैसे ही बहुत बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है। शुक्र है मुझे सारे वेजिटेबल, गोश्त वगैरह गोश्त खोर नहीं हूँ फिर ये ना कि तब भी तो सभी इतनी स्मार्ट है। मैं बचपन से ही जो है ना वो मेरी आदत ही में सब्जियाँ बहुत पसंद, शोरबे वाली चीज़ें बहुत पसंद है, लौकी बहुत पसंद है। ये गॉड गिफ्टेड होता है समटाइम कि हम लोग कुछ इंटेक करते हैं, कुछ लोगों के ज़बान का टेस्ट होता है वो ज़्यादा हैवी कोरमा ये वो ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैं ज़रा इनको खाती हूँ लेकिन बहुत कम मिकदार में। अच्छा जी जी, आपने ये देखा होगा कि जो लोग ये गोश्त खाना कुछ मेरा ख्याल या तो फैशन है या कुछ साइकोलॉजी है कि अगर हमने गोश्त खाया तो हम बहुत ही यानी कि मजबूत रहेंगे और अगर सब्ज़ी खाए तो हम बहुत ही ढीले हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुदरत ने जो सब्जियाँ लिखी बनाई हुई हैं उसको जवाब नहीं है उनका, जितना भी हो सके डार्क ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स को अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में और जितना हो सके मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल जिसमें कुकिंग मैं बनाती हूँ तो वही बात करी, दम पे खाना पकाएं, ज़्यादा फ्लेम ना करें, शोरबे वाली और हल्की ग़िज़ा खाएं और जब भी आटा गूंदें उसमें जौ का आटा ज़रूर शामिल करें। ये वो तमाम चीज़ें जो आपकी अगर आपने इनिशियली अपने बच्चों को इसका आदि बना दिया ना तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके बच्चों के अंदर जो इंटरनल हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और उनका बॉडी स्ट्रक अंदर भी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग होगा। लोबिया बीन्स जैसे इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, काले चने ये बहुत फ़ायदे देते हैं। आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर अपनी जो है खाने पीने की जो है तमाम जो है वो ज़रूर लिखें कि जैसे हम कहते हैं कि भाई आज ये शेड्यूल जिसे कहते हैं हम लोगों ने आज क्या है आज क्या, तो हफ्ते में एक दिन यार आज हमारे घर में फ़िश पकनी चाहिए क्योंकि एक हफ़्ता हो गया नहीं पकी। बच्चों को आदि करेंगे, अगर बच्चों को फास्ट फूड या आप लोगों ने प्रिजर्व चीज़ें खिलाना शुरू कर दी तो सोच लीजिएगा आपके बच्चे की इनिशियली ग्रोथ ख़राब हो जाएगी। लेट्स सी, हम शाइना की जानिब चलते हैं। शाइना जी, क्या डिश की हालत है जी? हालात सुनाइए अपने कोरमा बादामी कोरमा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है और इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी थी, जैसे ही दही में बॉयल हुए थे तो मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी। प्याज शामिल करके हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं स्लो फ्लेम पे। ओके, तो यहाँ जो है वो कोरमा बिल्कुल तैयार है और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये बादामी कोरमा है तो यहाँ मेरे पास बादाम है और मैं इसके अंदर बादाम शामिल करूँगी और यहाँ मैंने इसमें लास्ट में बादाम ऐड कर दिया। अच्छा, हो गई आपकी वैसे डिश बन गई? जी, डिश बन गई। प्लेट में कहीं डाल दें उधर ही जी, डिस्प्ले कर दें तो खुद ही पता चल जाएगा सबको, नाज़रीन को, उसका स्ट्रक्चर उसका टेक्सचर के कैसा है, इसका लुक है। एक प्लेट में डाल दीजिए या किसी भी बाउल में देख लें, प्लेट में ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इजीएस्ट नज़र भी आएगा कैमरे अच्छा, पे। अच्छा चलिए ठीक है जी, डाल लें नीचे से ले लो कोई जी जी। जब तक मैं डॉक्टर साहब से मैसेज देती, डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें जाते हुए? आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आए आए इलम की जस्तजू इबादत है, क्या इसका दफ कहना तस्वीर है और इसके लिए बहस करना जहाद है और वो लोग जो इलम है उनको तालीम देना खैरात है और वो लोग जो इलम सीखने का शौक़ रखते हैं उन्हें इलम देना कुर्ब इलाही का सबब है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी नाज़रीन, हम लोगों ने चलते हैं शाइना की जानिब और फिर हम आपसे इस सेगमेंट की जो इजाजत चाहेंगे। लेट्स सी, हम शाइना जी क्या हो गया है? ओके ओके, हम जबरदस्त, वाओ निकाल मैं देख रही हूँ, ओए 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 जबरदस्त। और यहाँ ये हमारा कोरमा निकल चुका है प्लेट में, हाय हाय हाय। अच्छा, कोरमा वगैरह बनता है तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है ना, बिरयानी बन रही है, कोरमा बन रहा है, जबरदस्त। ओके जबरदस्त, थैंक यू शाइना, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं बताती जी, चलूं इसमें हम इसके ऊपर जिंजर की जो जूलन्स है जी जी वो इस पे ऐड करेंगे क्योंकि इसमें कोई हरा मसाला और कुछ नहीं जाता है, इसमें सिर्फ जिंजर जाती है। डाल के इसको आगे ग्लैम गैस के पास रख दीजिए प्लेट को आगे और इसको, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी जान। प्लेट आगे रख दो ताकि इसको हम ब्रेक हम इसी पे ले लें, ठीक है जी। जी नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि अभी इसके बाद होगा ब्यूटी सेगमेंट और वो है आपका फेवरेट सेगमेंट। और एक छोटा सा ब्यूटी पैकेज भी देख लीजिएगा, पीबीआई का एक जबरदस्त ब्यूटी वर्कशॉप हुई थी उसका पैकेज देखें। लेट्स सी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी, देती है आपको दुआ और खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, दुआएं देते रहना चाहिए। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में जो है वो आपका है फेवरेट सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, और प्रेजेंट भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाकई में देखते ही कहता है यार वाकई में कुछ काम हुआ है। तो आज ब्यूटी सेगमेंट में ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, डिफरेंट क्लासेस उनकी हो रही हैं अपने सलोन में भी, डिफरेंट सिटीज़ में भी, तो उनको टाइम नहीं मिलता, तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा यार आप आ जाइए, क्योंकि आप जो इतनी एक्सपर्ट हो गई, आई नो खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, डाउन टू अर्थ बंदी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्लासेस दे रही हैं इसीलिए बिजी हैं। तो आज कौन मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट शगुफ्ता बाबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सभी आप? बहुत याद कर रही थी मैं आपको, really? दिनों के हाँ, मुझे बड़ी बड़ी हिचकियाँ आई फिर मैंने यूं पानी उठाया और मैंने यूं पानी माशाल्लाह कैसे हो आप, ठीक हो, मजे में, गुड, क्लासेस चल रही, क्लासेस चल रही हैं, इसी तरह आप काम करते रहो, गुड गुड, हमारी ब्रांड के साथ, बिल्कुल के साथ, और बहुत बेस्ट है माशाल्लाह, और बहुत रूज पे जा रहा है माशाल्लाह आजकल, तो जैनी आपने छुआ तो फिर रूज में तो जाएगा। अच्छा जी, ये सेगमेंट जैनी कॉस्मेटिक्स का है, और स्पेशली हमने कुछ उनके डिफरेंट पहले जो प्रोडक्ट थी, अब और मज़ीद आई शेड्स वगैरह भी आ गए, तो हम चाहते हैं कि आज डेमो में वो तमाम चीज़ें दोबारा आपको बेस कैसे लगती है, क्या क्या चीज़ें वो कैसे यूज़ की जा सकती हैं, बहुत ईजीएस्ट हैं और बहुत ही जो है नॉर्मल रेट पे आपको ये अवेलेबल भी हैं, तो नंबर भी चल रहा है, आप वो भी देख लें। तो शगुफ्ता आज आप कौन सी ब्राइड बना रहे हैं? आज मैं वलीमा ब्राइडल बना रही हूँ, ठीक है, बेस तो मैंने थोड़ा सा लगा दिया इनको ऑलमोस्ट, ठीक है, वो आप बता दीजिएगा कौन सा लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शगुफ्ता वहाँ जाएंगे, लेकिन हम शफक की तरफ चलते हैं। शफक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं, कैसे हो आप, ठीक हो, अल्लाह का शुक्र, अब थोड़ी कम हो गई हो क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना शफक। अच्छा जी शफक बताइए, क्या क्या माशाल्लाह क्या एक्टिविटी चल रही है? एक्टिविटीज तो काफी सारी चल रही है, क्योंकि क्लासेस भी मुस्तकिल चल रही है, हमारे इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो उसी में आजकल बिजी है हम लोग थोड़ा, और okay. बाकी ये कि कुछ जो है न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द होने वाली है हमारी, तो okay. उसके इवेंट की भी प्रिपरेशन भी जो है वो भी करनी है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा अभी बिजी टाइम जो है वो चल रहा है। हमारे पास अभी देखिए बहुत, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, होता है आपको पता ट्रैफिक वगैरह, तो यू हैव जस्ट ओनली 20 मिनट्स, तो मैं चाहूँगी पहले ये बता दें कि क्या क्या बेस आपने लगाया जी। सबसे पहले मैंने इनको कैमोफ्लाज किया है, स्किन बहुत ज़्यादा पैचेस वाली थी, ठीक है, मैंने इसमें ओरिएंटेड कवर किया पूरा, उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन यूज़ किया, फाउंडेशन नंबर बताएं आप जरा, दिखाएं कौन सा किया है, फाउंडेशन सैंड यूज़ किया है। अच्छा ये सब चीज़ें शफक बताएंगे, आप अब क्या लगा रहे हो? अब मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, चलिए जी सबसे बताएं, इन्होंने कैमोफ्लाज किया वो बता। अच्छा, दो क्या है कैमोफ्लाज, इन्होंने मिस ने जो अप्लाई किया है वो जैनी के मेकअप स्टिक है, ठीक है, ये है ये वाली जैनी के मेकअप स्टिक। अच्छा ये इसके अंदर आपको 11 शेड्स मिल जाएंगे, इसमें मिस ने ओरिएंटल अप्लाई किया है, ओरिएंटल अप्लाई करने के बाद जो है वो FS 36 और 38 को मिक्स करके वो लगाया, और उसके बाद जो है वो फाउंडेशन अप्लाई किया, ये वाला फाउंडेशन बहुत ही बेस्ट है सभी, ये वाला फाउंडेशन मतलब जो अभी मैंने देखा पहले, नहीं ये हमारा है शुरू से, हाँ शुरू से, इसके अंदर चार कलर भी कर जो मिल जाते हैं, ये 1, 2, 3, 4 लिक्विड थोड़ा, हाँ ये लिक्विड फाउंडेशन है, लिक्विड बेस है ये, और वाटरप्रूफ बेस है, कि मतलब जिन लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनकी बेस फट जाती है गर्मियों में स्वेटिंग से, तो ये कंप्लेन इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये मैट फिनिश लुक देता है, और मैट फिनिश के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करता है स्किन के ऊपर, तो ये अगर आप चाहें तो मतलब ब्यूटिशियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने मेकअप में फाउंडेशन अगर आप यूज़ करें तो आप जैनी का फाउंडेशन लाजमी ट्राई करें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और सेकेंड ये कि लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करता है, और इसके अंदर आपको चार कलर मिल जाएंगे, आपको जो मीडियम बेज है, आइवरी है फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए, और सैंड है, न्यूड है, ये चार कलर्स आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्किन टोन, ठीक है, तो ये अच्छा, सबसे पहले जब इन्होंने कैमोफ्लाज किया, फिर आपने कहा स्टिक, अच्छा स्टिक के बारे में, अच्छा स्टिक एंड फाउंडेशन एक साथ यूज़ होता है या अलग अलग यूज़ किया जा सकता है? साथ भी यूज़ करते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके जो मॉडल है या जो आपके जो क्लाइंट है उसकी स्किन कैसी है, ठीक है, ठीक है, आप उसके स्किन टाइप के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके स्टिक जरूरी होती है। अच्छा कैमोफ्लाज करना, और बिल्कुल क्लीन होती है तो आप फाउंडेशन
प्रोटीन में भी यूज कर सकते हैं, प्रोटीन में भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं इसलिए पूछूं, मैंने कहा शायद जब स्टिक बेस यूज की जाती है तो शायद लिक्विड फॉर्म का यूज नहीं होता, ये ऐसे जनरली क्वेश्चंस होते हैं। आजकल तो ट्रेंड ही यही चल रहा है कि आप लिक्विड पे ही ज्यादातर जो है वो ब्यूटिशियंस काम कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर मतलब मेकअप की जो ट्यूटोरियल्स जो बना रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी, तो उसमें भी ज़्यादातर लिक्विड लिक्विड बेसिस पे ही काम चल रहा है, तो एक ट्रेंड चल गया है कि लिक्विड बेसिस पे ही जो है वो काम करना है। ठीक है, तो लिक्विड बेसिस हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है इनके। ठीक है, तो इसके अंदर जो है लिक्विड बेसिस भी हैं, मेकअप स्टिक्स भी हैं, जैनी की आपको 11 स्टिक्स इसमें मिल रही हैं। ठीक है, और इसके अंदर FS 36, 38, 45 आइवरी, ओरिएंटल, चाइनीज और F1 है, 1W, 2W, 3W, 4W, मतलब इस टाइप के सारे नंबर्स जो के आपको अदर ब्रांड्स में भी मिल जाते हैं तो वो आपको इसमें जेनी में भी मिल जाएंगे सारे। ओके, और विद प्राइमर है हमारी स्टिक जो है, मेकअप स्टिक विद प्राइमर है, तो आपको प्राइमर वगैरह की नीड नहीं होती है, डायरेक्टली आप स्किन पे जो है वो एक स्टिक से भी पूरा फेस को जो है वो इजीली आप कैमोफ्लाज के साथ कवर कर सकते हैं और पूरी प्रॉपर आपकी बेस बन जाती है। ओके, अच्छा इनकी जी शगुफ्ता आप कुछ अब क्या लगा रहे हो, चंदा मैं थोड़ा बताना आपने क्या किया सबसे पहले, ये अभी अभी क्या लगाया था? अभी मैंने कॉम्पैक्ट लगाया। ठीक है, कॉम्पैक्ट लगाया जिससे बहुत एक स्मूथनेस आ गई है। गुड, नेक्स्ट इसलिए आया कि हमने फाउंडेशन यूज किया, फाउंडेशन स्पेशली इसलिए होता है कि केकी लुक नहीं देता, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लुक देता है। ठीक है, अब आप क्या लगाएंगे नेक्स्ट, आपके पास क्या है, आप कंट्रोलिंग करेंगी क्या करेंगे, क्या चीज चाहिए आपको? जी अच्छा, इनकी लिपस्टिक में देख रही हूँ काफी सारी, जी नाजी आप कैमरा जरा देखिएगा इनकी लिपस्टिक वगैरह, अभी आई शेड्स वगैरह यूज कर रहे हो, जेनी का जी जी, क्या नाम है इसका? ये जेनी का पैलेट है इन्फिनिटी के नाम से। अच्छा, इन्फिनिटी के नाम से जेनी के आई शेड्स मौजूद है और इसके अंदर जो है वो आपको मैट कलर्स भी मिल जाएंगे और जो है ग्लॉसी शेड्स भी हैं, ब्लश भी है, कॉन्टोरिंग भी है, ब्लैक शेड भी है, सारे मतलब इसमें कलर्स हैं और ऐसे रनिंग शेड्स हैं जो कि आप इजीली। अच्छा ठीक है, मैं नाजीन से बात करने चाहूंगी, नाजीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और ऑफ कोर्स हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपको जेनी कॉस्मेटिक्स की अवेयरनेस दे सके और लाइक ये होता है कि कभी कभी हम लोग कुछ जब मेक ओवर कर रहे होते हैं हमें कुछ टिप्स नहीं मालूम होती, खासतौर पर मैं उन लड़कियों की बात करी हूँ जो घर पे कहीं पार्टी में जा रही हैं, शादी में जा रही हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम है। जी शफा कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बस मैं यही बताना चाह रही थी कि आज जो है वो फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि मेकअप स्टिक के साथ फाउंडेशन, वैसे आप इसको एक्वा बेस के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक्वा बेस जो है वो भी आपके वेदर के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छी मतलब चलती है, लॉन्ग लास्टिंग चलती है, वाटर प्रूफ बेस है। ठीक है, और प्लस ये कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है एक्वा बेस का, तो एक्वा बेस में आपको इसमें भी 5 कलर मिल जाएंगे एक्वा बेस के अंदर, ये काफ़ी एक हमारा समझ लें कि रनिंग आइटम है जो कि काफ़ी डिमांडिंग है, मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है हमारी, तो और प्लस ये कि इसकी क्वांटिटी के साथ साथ इसके प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे प्राइस हैं इसके, बहुत रीज़नेबल है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, आप ईजिली हर कोई बंदा जो है वो परचेज कर सकता है, तो आप इसके अंदर भी आपको 5 कलर मिलते हैं, वही FS 36, 38, 45 IV और F1, ये 5 कलर जो है वो आपको एक्वा बेस के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। जबरदस्त यार, मैं देख रही हूँ ये जो आपके आई शेडो है, आई शेडो बहुत, माय गॉड इतना जबरदस्त, मैंने भी ये भी मिनट भी नहीं लगा है, ये तो शगुफ्ता बाबर ने, तो यकीन करो जिसको थोड़ा टेक्निक मालूम हो ना तो वो सही इन ब्रांड का भी हो, ये इतना अच्छी इसकी एप्लीकेशन होती है, वो मैं देख रही हूँ, लाइट से टच करो, यकीन करो जबरदस्त, मुझे भी नहीं मिले। अच्छा जबरदस्त कलर्स हैं, बहुत जबरदस्त, मेरे पास अभी शेड्स नहीं आए ये, या अभी मुझे भी शेड दे दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, ठीक। लेकिन मैंने जो आज मेकओवर किया हुआ है, प्रॉमिस में सच कह रही हूँ, मैंने सारा जेनी कॉस्मेटिक्स यूज किया हुआ है, लिपस्टिक बेस, लिपस्टिक भी आपके बहुत अच्छी लग रही है, सब चीजें मैंने इन्हीं की यूज की है। जी आपस में कुछ चीज चाहिए? हाँ इट्स ओके सिमी, आप इनको प्रोवाइड करें, क्या चीज चाहिए शगुफ्ता? पफ चाहिए। यस जी, और ला के दे दीजिए इनको। अच्छा जी, इनकी लिपस्टिक्स में देखे, जरा कैमरा जरा दिखाएगा लिपस्टिक्स का, बड़ा जबरदस्त जो टेबल पे पड़ी है, और मैं आप आईज क्लोज करें, ब्राइट जरा आईज क्लोज कीजिएगा जी ना जी, जरा क्लोज में देखिए इनका जबरदस्त ये आ गया इनके पास ब्रश, ये ओके गुड। अब हम ग्लिटर यूज करेंगे, हमारे हेलो ग्लिटर बहुत जबरदस्त हैं, हेलो ग्लिटर, आई शेड्स भी आ गए और हेलो ग्लिटर, ये मेरे पास है, ये पहले आया था, जबरदस्त हेलो ग्लिटर में बीच में पॉइंटिंग। अब ये शगुफ्ता बता रही है इसकी 2-3 टिप्स इस्तेमाल कर लेती है, हमें पता ही नहीं चलेगा। जी नाज़रीन आप देख ले,
इस वक्त देखिए इनकी इनकी जो टेक्निक्स हैं, एक तो ये फिंगर से काम करती हैं बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा जबरदस्त। अच्छा इसमें हमारे नए केकी केकी भी है, ठीक है, विद जेल ओके, और डस्ट में भी है, ओके गुड, जिसको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकता है, और जिसे बहुत ज्यादा शार्प लुक चाहिए तो उसमें हम क्विक क्लिक कर कीजिएगा ना हमारी ब्राइट रह जाए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनके आई से आई क्लोज कीजिएगा चंदन, देखिए नाजरीन आप क्लोज में भी देख सकते हैं कि अभी बहुत स्मूथ से बेस रेडी हुआ है, कॉम्पैक्ट लगाया है, अब इनकी जो है वो जेनी का हेलो ग्लिटर लगा है लास्ट में, अब क्या लग रहा है, अभी डस्ट लग रहा है, ओके ये भी जेनी का, ये भी जेनी का, गुड, हाँ ये भी है, ओके डन, ये ग्लिटर डस्ट है, ओके, और इसको जो है वो हेलो ग्लिटर के ऊपर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कितने कलर्स में इसके अंदर आपको 13 शेड्स मिल जाएंगे, रियली वाओ, इसमें भी फिक्सर की जरूरत नहीं होती, जल्दी 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 क्विकली क्विक हेलो ग्लिटर जो है ना वो शुगुप्ता आप सिर्फ लगाएं शफक बताती जाएगी, चलिए ठीक है, ये क्या लग रहा है अभी, लाइनर, ओके अच्छा जी हमारे पास लाइनर भी है जेनी का, नहीं अभी जेनी का लाइनर लाएंगे वो नेक्स्ट कमिंग इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा जी मुझे ग्लिटर के बारे में थोड़ा दिखाएं कितने शेड्स हैं इसके, ये देखें इसके अंदर अभी जो लगाया ना डिस्प्ले, नहीं नहीं वो कैमरे की मेरी जान, कैमरा कैमरा वो नाजी मेरा सुना, मैं बता रही हूं नाजी देखें, ओके ओके अच्छा इसमें ये है, ये आप देख सकते हैं, ठीक कैमरा फोकस कर लें, जी 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 हां, अच्छा ये ग्लिटर डस्ट है इसकी जेनी कॉस्मेटिक की, इसके अंदर आपको काफी सारे शेड्स मिल जाते हैं जो रनिंग शेड्स हैं, जैसे मल्टी कलर है, गोल्डन कलर है, सिल्वर है, ठीक है, पिंक है और ग्रीन है, इस टाइप के सारे कलर्स जो है वो मिल जाते हैं रनिंग शेड्स जो है। अच्छा ये बेसिकली डस्ट ये तो ग्लू के साथ अप्लाई होती है, वैसे अगर आप हेलो ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं पहले जो मिस ने अप्लाई किया है उसके ऊपर लगाए तो, अगर उसके ऊपर इसको थोड़ा सा और स्पार्कलिंग देने के लिए अगर अप्लाई करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप इसको लगा सकते हैं, तो सीलर की नीड नहीं है, सीलर ऑलरेडी मतलब इसमें आपको 3 टाइप ऑफ ग्लिटर्स मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको एक तो हेलो ग्लिटर जिसके साथ विद सीलर मौजूद है, और एक है स्पार्कलिंग डस्ट और एक है ग्लिटर डस्ट, ये 3 टाइप के ग्लिटर है। ग्लिटर डस्ट जो है वो थोड़ी मोटी वाली ग्लिटर है, स्पार्कलिंग डस्ट जो है वो बिल्कुल फाइन ग्लिटर है, और जो हेलो ग्लिटर है, हेलो ग्लिटर के अंदर ऑलरेडी सीलर मौजूद है, तो उसमें आपको ग्लू वगैरह की नीड नहीं होती, जस्ट फिंगर टिप से आप डायरेक्ट अप्लाई करें और वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे करती है और उसका फॉलोआउट नहीं है, लैशेस पे नहीं झड़ती है, ओके okay. अच्छा इनकी मुझे साथ साथ पेंसिल्स कलर्स का भी बता दो, इसके अंदर आपको जेनी कॉस्मेटिक की ये पेंसिल्स हैं, इसके अंदर आप कलर्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं सभी इसमें, और तकरीबन जो है वो सारे ऐसे हैं जो लोग पसंद करते हैं, मतलब मेरे तो सबसे ज्यादा जो है वो जाने वाले प्रोडक्ट्स ही हैं कि आप आई शेड भी बना सकते हैं, क्योंकि बिल्डेबल कलर्स हैं, मतलब कि आप इसमें 2 शेड मिला के एक नया शेड जो है वो क्रिएट करें, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स जिस तरह से होते हैं तो उन दोनों को मिलाकर आप एक नया कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें सारे आपको वो कलर्स मिल जाएंगे, फंकी शेड्स भी हैं, पीच के तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स हैं, ओके और जी नाजी बहुत ही फनकारी इससे इस वक्त जो है वो कलर्स को जो है ब्लेंडिंग किया जा रहा है कि किसको किस तरफ, इसमें ब्लैक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा है, थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा ग्लिटर डाला है, तो बड़े बड़ी टेक्निक्स है अभी इसको आईलाइनर को मिक्स किया जा रहा है, तो ये ज़रा सी आईज जो है ना वो लुक में अगर अच्छी नज़र आए तो दिखने में भी अच्छी लगती है, ब्राइडल की है तो वलीमा ब्राइड है तो ऑफ कोर्स आई लुक्स जो है वो बड़ा काउंट करता है शादी में, और ब्राइड ऑफ कोर्स पिक्चर्स खींचते हैं और वीडियोस वगैरह बनती हैं, तो ऑफ कोर्स आई मेकअप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बाकी तो लिपस्टिक है या कुछ है वो तो चलने का कॉम्बिनेशन, एक ही टच है ना आईज के ऊपर, 2-3 चीजें यूज होती हैं जिसमें मस्कारा भी है, आईलाइनर भी है। अच्छा इसका कॉम्पैक्ट भी बताती हूं मैं साथ में ना, कि इसका जो कॉम्पैक्ट है ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको 6 कलर्स मिल जाएंगे कॉम्पैक्ट के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर एक तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल फाइन स्मूथ टेक्सचर है, डायरेक्ट आप जो है ना डायरेक्ट भी अगर स्किन पे लगा लें विदाउट फाउंडेशन या विदाउट बेस के भी, तो वो आपको जो है वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब स्टे करता है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको जो है वो 6 कलर्स मिल जाएंगे, और ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस है, इस पर भी आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा,
अच्छा जी मैं नाजिन आप देख रहे हैं शगुफ्ता बाबर का जरा सा इस वक्त देखिए मेकअप कहाँ तक सीमी आप वहाँ से चीजें लेकर आए फटाफट जल्दी से फटाफट टाइम जाया हो रहे हैं फिर टाइम जाया रह जाएगा जल्दी करें यस जो चीज रह गई है वो दे दें उनको फटाफट जो चीज चाहिए शगुफ्ता आप अनाउंस कर दीजिए कोई मसला नहीं परेशान ना हो यस जी शफक आप कुछ दिखा रही थी चंदा यस अब ये लूज पाउडर अप्लाई करें बस ठीक है ये लूज पाउडर ये इसका क्या ये तो बेकिंग के लिए यूज होता है ना बेसिकली आपकी बेस को और मजीद जो फ्लॉलेस लुक देने के लिए मिस ये लो ब्रश मोटा वाला मैं यहाँ पर थोड़ा अपने गाल्स वगैरह पे थोड़ा कॉर्नर पे मैं अक्सर इसको देखती हूँ लगाते हुए शगुफ्ता को तो मैंने भी लगाना है नोज के ऊपर लगाती हूँ और ये असल में एक 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 चीज को तीन टाइप्स में यूज कर लेती है बड़ा एक टेक्निक है नोज पे जो है इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा ये हमारी जो चिक्स हैं और थोड़ा फिर चिन पे भी है हर जगह पर थोड़ा थोड़ा करके इसको जबरदस्त ये जी इस पे कंट्रोलिंग हो रही जी आप बताओ मुझे अच्छा आप आईलैशेस लगा लो ठीक है और इसके साथ साथ अच्छा लूज पाउडर में भी आपको जो है वो थ्री शेड्स मिल जाएंगे इसका लूज पाउडर जेनी कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं लोग लाइक करते हैं बिकॉज ये बहुत फ्लॉलेस लुक देता है आपकी बेस को ठीक है ठीक है तो इसके अंदर भी आपको थ्री शेड्स मिल रहे हैं जिसमें आपको नेचुरल मिल रहा है आइवरी मिल रहा है और आइवरी वन है आइवरी टू है आइवरी में टू टाइप्स हैं एक वाइटिश बिल्कुल वाइट पाउडर जो होता है वो है और उसके साथ साथ जो है वो पिंकिश टोन पे जो होता है वो भी है ठीक है लूज शाइनर भी आपको मिलेगा इसके अंदर लूज शाइनर भी अभी मैं सप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप लुक देखिएगा मेकअप का कितना अच्छा हो जाएगा बिल्कुल आपका ग्लॉसी मेकअप हो जाता है हाईलाइट करता है मेकअप को ओके ठीक है इसके अंदर भी आपको तीन कलर मिलेंगे और कौन सा बताना चाह रही जो ताकि नाज़रीन आपको देख बिल्कुल साथ साथ मैं ब्रीफिंग भी देती जाऊंगी लिपस्टिक्स अभी मैं वो भी अप्लाई करेंगे इसके अंदर आपको 48 शेड्स मिल रहे हैं और जिसके अंदर तकरीबन समझ लें कि आधे शेड्स जो है वो मैट है और आधे ग्लॉसी शेड्स और बहुत ही अच्छे कलर्स हैं लॉन्ग लास्टिंग स्टे करते हैं ये भी बिल्डेबल कलर्स हैं लिप्स को ब्लैक नहीं करते ड्राई नहीं करते बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है लिप्स पर ना और जो लोग आजकल जैसे ट्रेंड चल गया है कि मैट ग्लॉस यूज कर रहे होते हैं तो जो मेरे ऐसे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं क्योंकि मैं DHA क्लिफ्टन और सारे बड़े एरियाज में डील कर रही होती हूँ तो वहाँ पर ज्यादातर ट्रेंड ये चल रहा है कि ग्लॉसी मेकअप होता है लेकिन उसके साथ जो लिपस्टिक होती है और जो है वो मैट पर यूज करते हैं मैट ग्लॉस यूज करते हैं अब वहाँ पे क्लाइंट ये बोल रहा होता है कि हम तो पूरा प्रॉपर जो है ना वो मैट ग्लॉस ही यूज करते रहे शुरू से तो लिपस्टिक नहीं समझ में आती लेकिन मेरे कहने पर जब वो ये चीज ट्राई करते हैं तो बहुत सेटिस्फाई होते हैं इस चीज से क्योंकि ये टोटली मैट लुक पे ही जाती है क्योंकि एप्लीकेशन के थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाती है और मैट पे चली जाती है तो ये जो ब्राइडल का होता है ना कि आप रेडी कर दें और उसने नथ वगैरह पहनी हुई है तो लिपस्टिक आगे पीछे हट जाती है डिस्टर्ब हो जाती है तो वो कंप्लेन आपको इसमें जेनी में नहीं आएगी ठीक है आप और इसमें शेड्स इतने अच्छे हैं मतलब सारे ऐसे शेड्स हैं कि क्लाइंट देखता है और अट्रैक्ट करते हैं उसको रेड में तकरीबन आपको 5-6 कलर्स तो खाली रेड में मिल रहे हैं और रेड में भी 52 नंबर जो है वो प्योर रेड हमारा बहुत अच्छा जेनी कॉस्मेटिक का है जो कि आप लोग अगर उसको ट्राई करें तो आपको आइडिया होगा कि जो एक प्योर रेड कलर लोग ढूंढ रहे होते हैं अदर ब्रांड्स में कि हमें प्योर रेड लिपस्टिक मिल जाए तो वो आपको जेनी में 52 नंबर में वो मिल जाएगी और बाकी न्यू शेड्स भी हैं इसके 87 85 नंबर ये न्यू कलर्स हैं 333 389 ये सारे कलर्स ऐसे हैं जो कि रनिंग शेड्स हैं और तकरीबन मेरी डेली की सेल में चलिए लिपस्टिक के बारे कौन सी लिपस्टिक लगानी नंबर बता दो जी कौन सी वाली जी इनको लिपस्टिक दीजिए जी जी इस वक्त शफक जो है वो लिपस्टिक ले रही है जेनी कॉस्मेटिक्स की ये आ गई उनके पास खुद इन्होंने बॉक्स ही उठा लिया बहुत अच्छा नहीं नहीं कंफर्टेबल मैं अपने पसंद का कलर जो है वो इसमें से बिल्कुल और बिल्कुल हमारे पास सॉन्ग रेडी रखिएगा और जो है ब्राइट बिल्कुल रेडी हो गई है ये क्या लग रहा है अभी ये देखिए शिमर लग रहा है अच्छा ये इनकी एक बड़ी क्वालिटी है कि हाइलाइटर को ही इन्होंने बहुत सारी ये आपके ऊपर टेक्निक की बात होती है ना इसके लिए तो फिर शगुफ्ता बाबर के पास क्लासेस लेनी पड़ेगी जबरदस्त ये होता है टेक्निक जी लिपस्टिक लगा ली तीन कलर को कुछ थोड़ा इन्होंने मर्च करके प्रेजेंट करना चाह रही है बस लास्ट है सॉन्ग रेडी रखें और ये बस ब्राइड हो गई लिपस्टिक डन हो जाए तो ये हो जाएगा रेडी शफक आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हो चंदा यस
तकरीबन मैंने तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में वैसे तो मैंने ब्रीफ। अच्छा अभी प्लानिंग क्या है आगे, कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आप माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हो जी, जेनी कॉस्मेटिक्स को प्रेजेंट कर रहे हो डिफरेंट जगहों पे जा रहे हो, अब कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जेनी की प्रोडक्ट आ रही है और माशाल्लाह बहुत फेम हो चुका है इसका, बहुत ज्यादा इसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अब क्या चीजें रह गई हैं चंदा? अच्छा इसके अंदर जो बेसिक मतलब जो चीजें रह गई हैं वो लाइनर और मस्कारा, ठीक है, लाइनर और मस्कारा इसका भी बाकी है और उसके साथ ब्लश ऑन। वैसे तो हमारे जो बॉस हैं उनकी कोशिश ये है कि वो इस तरह से क्लाइंट्स को दें कि एक ही किट के अंदर उनको सारी चीज़ें मिल जाए, कॉन्टोरिंग भी, ब्लश भी और उसके साथ साथ जो है अपना आईब्रोज की शेड जो होते हैं डार्क ब्राउन इस टाइप के कलर्स, तो वो सारा एक ही पैलेट के अंदर जो है वो इंक्लूडेड हो और ताकि क्लाइंट को काम करना थोड़ा ईजी हो जाए। जिस तरह से अभी आई शेडो पैलेट अप्लाई की, कंट्रोलिंग अभी नहीं आई, ये शेड से ही हो रहा है। हाँ ये आएगी, ये 4-in-1 पैलेट तो ऑलरेडी बन चुकी है, इसके अंदर हाइलाइटर वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार कॉन्शियस होते हैं कि अलग से आ जाए। हाँ चलिए जी शुगुप्ता, ये हो गया डन चंदा जी, बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ शुगुप्ता का भी थोड़ा सी, यस हो गया, व्हाइट पेंसिल यूज कर लूँ मैं जी जी। अरे इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, अब स्टिक को इन्होंने व्हाइट पेंसिल, बड़ी अफसोस की बात है ये तुम्हारा, आपने उनको प्रोडक्ट बनाने नहीं देंगी। गुड गुड माशाल्लाह, इतनी क्विकली मैं भी इतनी प्यारी, मेरी बहन ने ला नजर, अब जाके अपने जी है ना सदका देना, हमेशा कहती हूँ माशाल्लाह इतना क्विकली और इतना बहुत प्यारा से, किसी और ब्यूटिशियन को कहूँ ना उसके हाथ पैर फूलने लग जाते रियली, लेकिन शुगुप्ता कहती है नो 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 डाउट भाई, बहुत आप बहुत प्यारे लग रहे हो गुड़िया। क्या नाम है मॉडल का? अनाया। अनाया बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लग रही हो शुगुप्ता, बाबर ने जादू किया है, आबरा का डाबरा आबरा का डाबरा कर दिया उन्होंने, रियल वाह वाह जबरदस्त। जेनी कॉस्मेटिक्स डन हो गया रुक जा। अच्छा जी हम लोग चलते हैं शफक, शफक जाते जाते कुछ ब्यूटिशियन को मैसेज दे दी जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग जल्दी जल्दी ऑफर से फ़ायदा उठाएं कि अभी भी 20% ऑफ जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो जो है अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको अभी भी 20% डिस्काउंट के साथ जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि हम रमज़ान से पहले ये ऑफ़र दे रहे थे, लेकिन ये कि अभी दोबारा जो है वो आपको ये ऑफ़र मिल रही है कि आप 20% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आप ऑर्डर करने के लिए नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा, तो उस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आप अपने ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, हर चीज़ पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, बेसिस पे, स्टेक्स पे, हर चीज़ पर। क्या बात है, थैंक यू सो मच शफक, टाइम पता ही नहीं चलता, टाइम खत्म हो जाता है जाते जाते। शगुफ्ता आप क्या मैसेज देना चाहोगे मेरी जान? जेनी ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत रिजनेबल प्राइस है इसकी, और आप लोग ज़रूर इसको अपने सैलून में रखें, बहुत ज़्यादा स्पेशली स्टेक्स, इसके हेलो ग्लिटर सब चीज़ें बहुत, पूरी रेंज हमारी बहुत अच्छी है और इतनी ईजी स्टाइल से मैं बताती हूँ जैसे, तो आप नहीं नहीं आप तो ब्यूटी क्वीन हो ना, मसला ये और सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इस वक्त मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरे प्रोग्राम को जो शर्फ बख्शा और यहाँ तशरीफ लाई, और फिर आते रहिएगा आप, आते जाते क्योंकि बिजी रहती हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये ब्यूटी सेगमेंट यहाँ इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन जाते जाते ऑफकोर्स शगुफ्ता बाबर ने जो जेनी कॉस्मेटिक्स यूज़ किए उसकी प्रेजेंटेशन रेडी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह, लेट्स सी प्रेजेंटेशन, देखिए अल्लाह हाफिज़।